ये पेचा लग गया, पेचा लग गया और ये काट दिए। और ये इतनी खुशी। अस्सलाम वालेकुम। काफ़ी दिन लॉकडाउन में बंद रहने के बाद आज घर से बाहर निकलने का मूड हुआ है और सबसे पहले बुलाया अपने इरफान भाई को और ये अदनान भाई भी हैं। वैसे तो बात यही है कि घर से ना निकला जाए, लेकिन अगर निकला जाए तो फुल सेफ्टी के साथ, जैसे कि आप देख सकते हैं आज हमारा फुल पतंग उड़ाने का प्लान है नाजरीन। और मेरा मास्क, इरफान भाई का मास्क इनकी पॉकेट में, और चलें पतंगे लेने चलते हैं। वैसे तो हमारे पास है नहीं, लेके आते हैं फिर आगे की चिल जब करते हैं। हमारे अदनान भाई पतंगे पसंद कर रहे हैं। यार ये येलो वाला देख ला, ये बड़ा ये ना जी, ये बड़ा ये। हम घर के नीचे पहुंच चुके हैं जिसकी छत पे हमने पतंग उड़ानी है। हमारे अदनान भाई इसके लिए हमारे साथ हैं और इरफान भाई भी, और ये छत है जहां हमने पतंग उड़ानी है। और ये हमारे को थोड़ा बहुत ही मिला है जैसा भी था, अरेंज किया आज के लिए। और ये पतंग है हमारी, चले हम ऊपर चलते हैं। तो फाइनली हम छत पे आ चुके हैं और यहाँ पे पतंगे भी उड़ रही हैं जैसा कि आप देख सकते होंगे। एक दो और बाकी भी हैं, लेकिन वो थोड़ी दूर है, तो अब देखते हैं कि क्या होता है। नान भाई तकरीबन 4-5 साल हो गए पतंग नहीं उड़ाई, और आज चार से पाँच साल के बाद उड़ाएंगे। और बचपन में मैं उड़ाता था, मेरे साथ ये खान अपनी साथ उड़ाता था, हमने भी बहुत मजे लड़ाए। लेकिन इन बात को तकरीबन 7-8 साल ये क्या ज़्यादा हो गया, तकरीबन 8-10 साल हो गया तकरीबन। इसका मतलब हम स्कूल लाइफ, और आज भी हमने उड़ाने का मूड नहीं था, बस घर में बोर रह रहे थे, हमने ये फैसला किया कि उड़ाई हो सकता है लेने के देने पड़ जाए। नहीं, वो बोलते ना अपने दुश्मन को कभी भी हल्का मत समझो। ये आदिल भाई पर ने पक्की तरह बांध रहा था कि बटन टूटे ना, और पहले बांधते बांधते कन्ने बांधते बांधते आदिल भाई से थोड़ी सी पतंग भी फट गई है, जिसको हम लगा रहे हैं टेप। मतलब उड़ाने से पहले ही फाड़ दी है आदिल ने पतंग। एक्सपीरियंस चेक करें आप। और ये आदिल ने कन्ने बांध दिए हैं, और ये आदिल रेडी हैं, कन्ने बांध लिए हैं, और हमारी पहली पतंग उड़ान के लिए तैयार। ये हमारे अदनान भाई ऊपर जा रहे हैं, ये देखे ये आदिल भाई रेडी है जहाज उड़ाने के लिए, आदिल भाई रेडी है। ये हमारे नान भाई देखे सीनियर छत पे ऊपर जा रहे हैं। ये हमारी पहली रवानगी स्टार्ट होगी। ओके, ये हमारी पतंग, पहली पतंग हमारी आसमान पे बुलंद होती हुई। हवा थोड़ी कम है जिसकी वजह से ये थोड़ी मुश्किल हो रही है। अदनान नीचे तो चलती पकड़नी पड़ेगी, क्योंकि हवा भी चलती है। ये अदनान भाई नीचे उतर रहे हैं, हम करनी देखे, और आदिल भाई को मुश्किल हो रही है थोड़ी, अकेले लगे हुए हैं चलती भी पकड़ के। अदनान भाई देखो बिल्कुल स्मूथ पतंग है, ये देखिए अदनान भाई ने ढील दी और हमारी पतंग आसमान पे बुलंद हो गई। ये हमारा पहला शिकार, पहला पतंगा उड़ चुका है, और ये उड़ा वो देख, और वो हमारे दुश्मन भी आ गए हैं, वो रहे सामने, वो देखे उनसे पेचा लगा लिया हमने।
ये हमारा, मैं आपको अपने दुश्मन को जूम करता हुआ दिखा दूं, ये देखिए। बॉयज एंजॉय कर रहे हो? यस। देख रहे हो हमारे बॉयज में एनर्जी आई है, आज काफी दिनों के बाद घर से निकले हैं, थोड़ा सा एंटरटेन हो रहे हैं हम लोग, मैं खुद भी हो रहा हूँ और साथ में ये लोग भी हो रहे हैं। फिलहाल कोई भी पतंग करीब नहीं है हमारे, पतंग का वेट हो रहा है दोस्तों, पतंग अभी तक कोई आ ही नहीं रही। या तो हम खुद शिकार हो जाएंगे या तो हम शिकार कर देंगे, सब पतंगे दूर दूर हैं, अगर आप देख सकते हैं तो हमारी, मैं बैक कैमरे से दिखाता हूँ, ये हमारी पतंग उड़ रही है, बाकी सब दूर दूर है, देख सकते होंगे आपको नज़र आ रही होंगी, वो रही एक वो रही, तो हमारे पास इतना मवाद नहीं है कि हम इतनी दूर जाएं पेचल उड़ाने के लिए हमारे पास, लेकिन ये हमारे शराल भाई भी आ चुके हैं, ये है एक ये पार्टी उड़ा रही है पतंग, और ये हमारे एक नए भाई ऐड हुए हैं, शराल भाई ये एंजॉयमेंट के लिए घर में एंजॉय करने के लिए एक बेहतरीन तरीका है, वर्क फ्रॉम होम करके हम घर चुके हैं, थोड़ा एंटरटेन लाजमी है भैया। ये शराज भाई आगे जाने, तो मैं तो बोलता हूँ आगे जाने, ये पतंग आ गई हमारे करीब और ये पेचा स्टार्ट होने वाला है दोस्तों, पतंग आ गई है नजदीक, पहला मेरा आदिल भाई, पहला मेरा, चलो मेरा दूसरा तेरा, पेचे के लिए लड़ाई शुरू हो गई है, और ये देखे आदिल भाई फुल कोशिशें करते हुए, जिसकी वजह से हमारी पतंग घूम रही बहुत है, और ये देखें मुकाबला जारी है, एक दूसरे के पास आने की कोशिश हो रही है, और ये पेचा रखना शुरू हो गया, ये देखें, और ढील खींचना नहीं है आदिल, खींचना नहीं है ढील, और पेचा लग के छूट चुका है, पतंग उड़ाने में सबसे मजे का अमल यही होता है, तो पेचा लग के खुल जाना, फिर लगना, फिर खुल जाना, और ये फिर से दोबारा आ गया है, और ये फिर से फरार हो गया, पेचा नहीं लड़ा रहा हमारे से, आदिल भरपूर कोशिश कर रहा है उसके पास जाने की, और ये पेचा लग गया और ये काट दिए, और ये इतनी खुशी। कितना हसीन है ना ये वक्त, ये समा, ये आसमा, ये पूरे का पूरा जहां, इसकी अहमियत और इसकी कदर आज से पहले हमें शायद ना हुई हो इतनी जितनी आज हो रही है, ये वही छोटी छोटी खुशियां और वो ही गैर जरूरी लम्हे हैं जिन्हें हम भुला बैठे थे, और आज फिर हम उन्हीं गैर जरूरी लम्हों में अपनी खुशियां ढूंढ रहे हैं, और उन्हीं खुशियों में खुद को मसरूफ रखने की कोशिश कर रहे हैं। आप देख सकते हैं हमने पहला शिकार कर दिया, और हमारे लड़के फुल खुश हो गए, इनके मुरझाए हुए चेहरे फिर से खिल उठे हैं, आप देख सकते हैं, अब हमने जहाज की कमान दे दी है शिराज भाई के हाथ में, हमारे सीनियर, अब पूरा जहाज इनके हाथ में, जहाज हम चलाएंगे नाजरीन, और हमारी शहजादी चलाने लगे, हमारी जहाज है, अपनी जिम्मेदारी पे बैठिए, कभी भी गिर सकता है ये रही, क्योंकि ये हम पहली दफा चला रहे हैं, रेड बटन चालू है मतलब चालू कंपनी का, ये दूसरा शिकार, ये हमारा पेचा स्टार्ट, पेचा लग चुका है ढील बहुत आला ये ये दूसरा भी शिकार हमने कर दिया है, स्टिल ये हमारी शहजादी वहीं पे खड़ी है अभी तक,
फरदान भाई आप कुछ कहना चाहेंगे? हमने दो शिकार किए हैं। ओह माय गॉड, ओ पकड़ 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 पकड़। आगे से गई है, उधर कन्नों ने कन्ने नहीं देखा। अबे ये हमारी पतंग टूट गई, हमारी हमारी पतंग भी कट गई, वो जा रही है, ये टूट चुकी है हमारी पतंग। ताज भाई ने हमारी पतंग तोड़वा दी है, लेकिन ये कि नाक नहीं कटवाई। बिल्कुल बिल्कुल, आई एम प्राउड ऑफ यू भाई। ये हमारे लड़के अभी अभी हमने थोड़ा एंजॉय किया, इंशाल्लाह नेक्स्ट भी आपको दिखाएंगे। अभी नई पतंग तैयार हो रही है और ये हमारा नेक्स्ट पतंग आ चुकी है। नई पतंग आ गई है, अदनान भाई कन्ने बांधो जल्दी जल्दी। To breathe, but that's alright. Hush. और ये हमारी नेक्स्ट उड़ान के लिए तैयार हो रही है। उड़ान के लिए तैयार होगी पतंग, अदनान भाई ने फुल। ये है लाहौरी गुड्डा, सच्ची पकड़े हैं। ये अदनान भाई उड़ाएंगे वाली पतंग हमारे। पहले पहला पेचा मेरा था, दूसरा शिराज का, अब ये तीसरा अदनान का है, और चौथा फिर इरफान का है। अगर बारी रही तो फिर घूम के दोबारा मेरी बारी आ जाएगी। ये देखिए, ये हमारा अदनान भाई दूसरी पतंग को कन्नी देने के लिए ऊपर रवाना, और ये आदिल भाई ने उड़ाना स्टार्ट कर दी, और ये हमारी पतंग। आदिल भाई के कमेंट्स आ रहे हैं कि ये पतंग भी हमारी बहुत अच्छी पतंग है, और ये आदिल भाई स्टार्ट किया हुआ है। ये हमारी पतंग ऊपर हवा में जा चुकी है। अब ये अदनान भाई ने आके ले ली, अदनान भाई बढ़ा रहे हैं हमारी पतंग को, और आदिल भाई चरखी पकड़ के ढील दे रहे हैं। अदनान भाई दूसरी पतंग उड़ा रहे हैं, और दूसरी पतंग आ गई आदिल भाई। हमारे करीब अब दो पतंगें और आ चुकी हैं, अब देखना ये है कि हम क्या करते हैं। ये पेचा लग चुका है, नान ढील दे, निकल गया निकल गया। और ये कट गई उसकी पतंग, नहीं पेचा अभी भी लगा हुआ है, लगा हुआ है, पेचा लगा हुआ है। गई, ये भाई, ये जा रही है। देख, अब ये भाई ने चैलेंज किया हमें कि आ जाओ, उजल हो रहा है। अब इरफान भाई की बारी है पीछे की। इरफान भाई फिर मेरी बारी, अदनान फिर मेरी बारी है, अगली बारी दोबारा तेरी अदनान। नेक्स्ट पेज आ गया हमारे, फिर से आदिल भाई आ गए पेज लड़ाने के लिए, और ये देखें हमारा अगला अपोनेंट। तीन पेज काट चुके हैं हम लोग, एक भी नहीं कटी हमारी अभी तक, और अभी तक हमारी सिर्फ एक कटी है, वो भी टूट के गई है, कटी नहीं है, सिर्फ टूट के गई है। और ये हमारा नेक्स्ट अपोनेंट है, आदिल भाई इसके बाद जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो बहुत दूर है। वो आएगा ना, वो आएगा। और ये देखो पीछे एक और अपोनेंट आ रहा है हमारे, वो आएगा, पीछे वाला आ गया अपोनेंट। शाबाश आदिल, शाबाश, अभी तक हमने एक नहीं कटवाई अपनी पतंग। और ये देखें, ये पीछे से हमारा अपोनेंट आ गया है, ये रहा हमारा गुड्डा। और नाजरीन जाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन जा नहीं पा रहे। आदिल उसको बढ़ाने दे थोड़ा सा, और ये देखो ये आ गया नजदीक हमारे से, पिचर स्टार्ट होने वाला है। शाबाश आदिल, शाबाश, अभी तक एक भी नहीं कटवाई हमने अपनी पतंग। नहीं नहीं लड़वाएगा, शाबाश आदिल, शाबाश। मेरी
मेरी गर्दन थक चुकी है, ये आ नहीं रहा, ये मस्करियां कर रहा है ये। ये देखो ये ड्रामे कर रहे हैं, आगे नहीं आना आ रहा। असल में हमारी दहशत ही इतनी है आदिल मेरे दोस्त, हमारी दहशत ही इतनी है कि कोई पतंग नहीं आ रही है हमारे पास, और ये आ गई। बहुत आला आदिल, वो भाग रहा नीचे हो रहा है, छोड़ दो यार इसको। नहीं नहीं छोड़ दो यार, लग गया लग गया लग गया, ओ लग गया लग गया लग गया। शाबाश आदिल, ढील 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 आदिल, ढील ढील ढील। और ये हमने चौथा नॉकआउट कर दिया, चौथा नॉकआउट, एक बार भी नहीं कटे आफ्टर 4 इयर्स। ये चार पतंगे हम काट चुके हैं ऑलरेडी और एक भी हमारी नहीं कटी। अदनान भाई, इरफान भाई, आज की हमारी परफॉर्मेंस कैसी रही? बेहतरीन, गुड। अदनान भाई सर, 4 इयर्स हमारी परफॉर्मेंस देख ले दोस्त, कि हम लोगों ने अभी तक अपनी एक पतंग नहीं कटवाई और दूसरी भी टूट गई, और दूसरी भी टूट गई हो जा रही है। हमारी कोई काट नहीं सकता, लेकिन हमारी पतंग टूट चुकी है नाजरीन। दूसरी पतंग अदनान भाई से टूट गई है, पहली शराब से टूटी थी, कटी हमारी एक भी नहीं है। और मेरे ख्याल से बस करते हैं, हाँ, आज के लिए बस, क्योंकि सांस हमारा फूल चुका है, हाँ। और गर्मी भी है, प्यास लग चुकी है। इंजॉयमेंट के लिए आए थे, एंजॉय किया भरपूर, और घर में रह के एंजॉय किया हमने जी। कोई बाहर नहीं गए, और घर का एंजॉयमेंट जैसा, मतलब लोग बोलते हैं बंदा बोर हो जाता है, हम तो बोर नहीं हुए, हमने फुल एंजॉय किया आज। इरफान भाई, अदनान भाई, ये है, टाइम काफी हो चुका है और अब हमारा भी लॉकडाउन स्टार्ट होने वाला है, और हम सोच रहे हैं अपने अपने घरों को जाएं। और फिर इंशाल्लाह अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, फिर इंशाल्लाह जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और हमारे साथ रहिएगा, और हम सब दोस्तों की तरफ से आपको